दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक LIC के IPO के बारे में। अगर आप पॉलिसी होल्डर हो दोस्तों, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आपको LIC के IPO में पार्टिसिपेट करना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे LIC बोल रहा है आप अपने पैन कार्ड जो नंबर है वो अपने LIC पॉलिसीज को लिंक करो, क्योंकि जब LIC का एप्लीकेशन आएगा IPO के बारे में, तब आपको 10% का जो कोटा होगा आप उसमें अप्लाई कर सकते हो इजीली। LIC 10% कोटा रखने वाला है उनके कर्मचारियों के लिए और साथ में ही जो LIC पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए। इस कोटे में आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मानो LIC ने IPO लाया और उसकी प्राइस 100 रुपीज है, तो आपको वहाँ पे वो LIC का जो IPO है वो शेयर है आपको 10% डिस्काउंट पे मिलेगा। अगर आपको लगता है तो उस वो टाइम आपकी वो प्राइस हो जाएगी 90 रुपीज और बाकी लोगों को मिलेगा वो 100 रुपीज में, तो ये डिस्काउंट आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको क्या और कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ऐसा मैसेज आया है क्योंकि मैं LIC का पॉलिसी होल्डर हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि LIC ने एक लिंक दी है, उस लिंक पे जाके आप अपना पैन कार्ड नंबर अपने पॉलिसी से वहाँ पे अटैच कर सकते हो दोस्तों इजीली। एकदम हैजल फ्री प्रोसेस है, एकदम 3 या 4 मिनट में ख़त्म होती है दोस्तों, और आपका वहाँ पे जो पैन कार्ड नंबर है आपके पॉलिसी से वहाँ पे लिंक हो जाएगा। ये जो लिंक है मैंने ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और टेलीग्राम चैनल पे भी दी है, वहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और अपना पैन कार्ड अपने LIC के पॉलिसी को अटैच कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों जाते हैं LIC के वो जो लिंक होगी, ऐसी लिंक होने वाली हो दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसी आपकी लिंक है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालना है, अपना पैन नंबर डालना है, आपका पैन कार्ड पे जो नाम है पूरा वो लिखना है, मोबाइल नंबर आप ठीक से जानिए, उस मोबाइल पे OTP आने वाला है तो आपका अपना मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि अगर आपको OTP नहीं आएगा तो ये जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं होगी। और आपको यहाँ पे जितने भी पॉलिसी आपकी आपको ऐड करते जाना, जैसे कि आप मैं अभी यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरी पॉलिसी नंबर है, मैंने ऐड कर लिया। आपका और एक पॉलिसी है आपको डालनी है यहाँ पे 2 3 3 2 3 3 2 3 3, मैंने ऐड कर लिया। आपकी अगर और एक पॉलिसी है तो आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है, जितने भी आपकी पॉलिसी है आप यहाँ पे ऐड कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे आपको एग्री करना है। और ये जो कैप्चा है यहाँ पे गूगल का कैप्चा, ये आपको यहाँ पे डालना है, और ये करने के बाद आपको गेट OTP करना है। OTP आने के बाद आपकी वहाँ पे प्रोसेस पूरी हो जाती है दोस्तों। तो ये एकदम सिंपल सी चीज़ें दोस्तों आपको फॉलो करनी है। और बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो पैन कार्ड है वाकई में अगर आपके पॉलिसी को लिंक हुआ है नहीं, यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हो। आपकी पॉलिसी नंबर डालिए जो आपने ऐड की थी अभी, डेट ऑफ बर्थ डालिए, पैन कार्ड डालिए और यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट कीजिए, और वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो पॉलिसी को लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियरली ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और क्यों करने दोस्तों, ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब अभी IPO आने वाला है, ये माइट बी जनवरी से मार्च के बीच में ही LIC का पॉलिसी का IPO आएगा, और इस IPO में वहाँ पे 10% का जो कोटा होगा वो होने वाला है रिजर्व फॉर पॉलिसी होल्डर और उसके कर्मचारियों के लिए। तो उन रिजर्व कोटे में आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जनरली क्या होता है, अगर वहाँ पे 1000 शेयर्स होते हैं बेचने के लिए IPO में, तो वहाँ पे एप्लीकेशन जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आते हैं। वहाँ पे 1 लाख के आसपास वहाँ पे एप्लीकेशन आते हैं ओनली फॉर 1000 शेयर्स के लिए। तो वहाँ पे अगर आपको अपना चांस बढ़ाना है LIC का शेयर लेने के लिए, और अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, अपना पैन कार्ड अपने पॉलिसी को अटैच कीजिए, ताकि आप वहाँ पे उस 10% कोटे में से IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।